मोहसिन अब्बास हैदर, ये हैं मैं हीरोइन, ये हैं मैं हूँ साइड हीरोइन। तू परे रिया कर मेरे को। आह हीरोइनर नु देख के स्माइल ते फाइनेंसर नु देख के चीका। की तरक्की करी साडी फिल्म इंडस्ट्री ने। किनको साथ लेकर फिर रहे हैं आज? शोहरा आफाक और लोगों को पहचान ही नहीं रहे। ये है मेरे डायरेक्टर डोगर बंसाली जी जी, और ये है राइटर मजरू शाहपुरिया। बगैर किसी भी केस तो फिल्म का नाम है मिशन इम्पॉसिबल, सीन नंबर 804, वाओ, टेक टू। ओके, ते क्लिप बोर्ड इस्तेमाल नहीं होना मेरी जान। ओके, दो फल्ले फड़ के मैं कहना है इलेक्शन भाई, दौर दौर। क्यों इलेक्शन नहीं, एक्शन एक्शन। जनाब फिल्मी तारीख दा पहला सीन जे जेड़ा एक्टर दी वजह तो नहीं डायरेक्टर दी वजह तो बार बार टेक हो रही है। डोगर बंसाली मेरी जान, डोगर बंसाली, डोगर बंसाली, राइटर दी इज्जत बहुत ही होनी चाहिदी है। मेरे बच्चे जेड़ी भी इत्थे गल करनी मुंह चो आलू बाहर कट के कर। सॉरी मोहसिन, मैं फिल्म का मुहूर्त करना चाहता हूँ, छेती से हीरो को बुला लो। तो गोया आज के जो हमारे मेहमान हैं वो आपकी फिल्म के हीरो हैं। ओह यस। सॉरी मोहसिन, हां जी, कॉमेडी का जमाना है। यस, कॉमेडी कैश करा लो, पांडे कली करा लो, एदा जंगाल भी साफ करा लो, ए पुराना थल्ला भी जुड़वा लो। मैं ते कहना पहले इनू नुहा लो। नुहाण दे, मेरे को कसम चुकाउनी। तो दोस्तों भाइयों बुजुर्गों, आज का पब्लिक डिमांड देखकर आपको यह गुमान होगा कि जैसे शुएब अख्तर और ब्रेटली एक ही टीम में खेल रहे हैं, क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान हैं वो कॉमेडी के स्पीड स्टार हैं और उनके बाउंसर्स का मुकाबला करना हर एरे गैरे नत्थू हैरे के बस की बात नहीं है। तशरीफ लाते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई सखावत नाज़ेवी वो। आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का, इन सब दोस्तों का, इन सब साथियों का, ये कैमरामैनों का, ये भाइयों का, इन लाइटों का, इन सोफों का, इन कुर्सियों का। अच्छा, आप पास की हो गए हैं। नहीं यार, सोफे भी तो इंसान है यार। अच्छा, सोफे इंसान ने तय किए फिर? मेरे ख्याल सोफे तो अब्बा जो सेठ दा शुक्रिया दा बार गेट कीपर दा भी कर रहा बेटे। मैं उन्हें करके आया। डॉक्टर बंसाली इजी क्यों लेना? डायरेक्टर? हाँ जी। तो म्यूजिक डायरेक्टर? हाँ। लक्ष्मी चौक प्यारे लाल। मैं क्या डायरेक्टर ने भी साई दे देती है? साई देती खुशा बनवाना है। हीरो नु भी पेमेंट कर देती है। आओ मोसी कारवाल भी गुड़ ते आटा भेज देता जे। सानू भी ते रकम ऑनलाइन करो ना बेटे। तेनु ऑनलाइन पेमेंट करके बीड नवा लवा नहीं दिता? मौला जानदा अपने दंद ने जनाब, दंदी बढ़ा के देख लो। ओ तुसी एक्स्ट्रा लेके रखे ने, किते निकल जान ते फिर ओ लाउने ने। अपनी फैमिली ला लवो। रक्त जंजीर पहन कर भी किया जाता है, समझे राइटर मियां? वो तो कीता ही नहीं। अल्लाह। तू कड़ा सिगरट लाया जड़ा कवे अल्लाह? जिथे सिगरट लगा सी ओ नरम नाजुक डोला भी ते नहीं ना हैगा। ते इते सिगरट ना ला, इते कोई सरिया गरम करके ला दे। मैं ते चोरी सिखावत जी, मैं तेनु लाई ने नांगा पर्वत। ओ गल सुन, नांगे नूंगे दी फिल्म मैं नहीं करनी। सिद्धी मेरे को फिल्म कराओ तुसी यार, है की गल होई? ओहो चोरी साहब, लोकेशन लोकेशन। अच्छा, बड़ी रोमांटिक लोकेशन। अच्छा, ओ तो हिलन नहीं। राहुल भाई जी, आज आपका कॉमेडी रिमांड होगा, पता है आपको ये बात? अच्छा जी जी, की मतलब? तो आप खुद अपना मुकदमा लड़ेंगे या फिर सीनियर कानूनदान इफ्तिहार ठाकुर नु साई देइए तोड़ी? नहीं, ठाकुर साहब नु ना देना। क्यों? उन्हां नु बुलाने वास्ते ते मोरी कढ़नी पैनी। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਲੜ ਸਕਣ। ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਪ ਨਾਲ ਨਾ ਪਿੰਡ ਪੱਠੇ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਡੰਗ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ, ਚਲੋ ਪੱਠੇ ਬੰਨ ਲੈ। ਠਾਕਰ ਵਰਗਾ ਸੱਪ ਲੜਨ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਯਾਰ ਵੱਖੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰੀ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਡੰਗ ਨਿਕਲ ਦੇ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਇਹ ਬਤਾਈਏ ਕਿ ਕਿਸ ਆਸਥਾਨੇ
या किस पीर खाने पर जाकर कोई ऐसा तावीज लिया जाए और हुकूमत को बांधा जाए कि जिससे महंगाई जो है वो आवाम के कदमों में आ गिरे जालिम महबूब की तरह। ये तवीज के साथ नहीं कम होगा, फिर ये मेरा ख्याल दुआवां नाल ही होना है, जेड़ा असी करांगे ते उत्ते कबूल होणगे ते फिर ठीक हो सकदा है। ओ गच्चे को डार्क चॉकलेट समझने वाले हो सकते हैं साहब, तुहाडी जुगत च स्ट्रगल ज्यादा है। मैं उन्हां भी ते बड़ी दूर हूं। हाँ, लेकिन बात ये, अगर महंगाई तवीजों से खत्म होनी होती तो 2018-19 में ना खत्म हो जाती। वाह चौधरी साहब, एडे तुसी सियासी तजियाकार, दास कैपिटल तुहाडे अब्बू जाने लिखी है ना, तुसी दस दिओ। दास कैपिटल चौधरी साहब ने नहीं लिखी, फिर अलबत्ता चुधरानी ने डांस कैपिटल लिखी है। बड़ी चिदरानी का नाम कहीं सरोज खान तो नहीं? आप चौधरी साहब को ले रहे हैं इजी। अगले हफ्ते जो अलमास बॉबी की हवेली में G20 इजलास हो रहा है उसमें चौधरी साहब मुआशी इस्लाहात का ऐलान कर रहे हैं। मुआशी इस्लाहात का डांस कर रहे हैं। ये बताइए कि दुनिया की सबसे महंगी बिजली खरीद रहे हैं या फिर कोई मुतबादल रास्ता अपनाने के लिए साइंसदानों से राब्ता कर रहे हैं? मैं कीता 2-3 साइंसदानों ना राब्ता कीता, मैं कह यार सस्ती बिजली किवें बन सकती। लेकिन वो साइंसदान मैनू घर नहीं मिले, फंक्शन ते गए सन। उन्होंने चकवाल वाली साइड से एक मुंडा सी, उते ढोल पार्टी दे नाल उन्होंने मिले सी चांस। वो साइंसदान कहिंदे चलो इत्थे नाले डांस कर लैणे, इहनां नाल वेखने बिजली किवें बणदी। 2-3 साइंसदान ने अपने वेहड़े च टोया कट के पानी जमा किया कि बिजली बनानी। दो बजुर्ग उन्होंने विच डिग के फौत हो गए, उस टोए च फुल के उत्ते आ गए वो, ते एक ते फुल के मेरे नाल खलोता है। पाजी अगर मैं गलत नहीं हाँ, जी जी तुसी भी पहले साइंसदान नहीं सी? हाँ मैं फोक साइंसदान। एक ते बिना नासा का हेडक्वार्टर, तुहाडा हेडक्वार्टर मैं सुनिया माई दी चुगी है। नहीं वो साडा हेडक्वार्टर नहीं, साडी अकैडमी है। उत्थों दे सारे सियासतदान तजर्बा करन रहे ने जी जी कि शाम तो बाद भी धुप लगनी चाहिए। भाई अर्ज किया है कि गैस का एक दिन मुअय्यन है, इसलिए रात भर नहीं आती। मुझे एक बात बताएं, देसी कुकर दा शोरा जी ओ फुल के गैस से आंदी नहीं, खादियां कितना चिर हो गया, खाब जिया हो गया। मैं कुकर ले आंदा, गैस नहीं आई, मैं कुकर जोड़ के फिर छड़िया। मैं कह तू फिर टुट के आ जा, तो गैस है कि फिर खोल लांगे। सर गैस की बंदिश के बावजूद हमने आपके लिए कुछ LPG माहिये लिखे हैं। अच्छा जी, आपकी इजाजत हो तो पेश करूं? पुन्ने ने कि कच्चा ही ने, हल्के हल्के सेकते हैं। बस ठीक है, टकोर होंदी होवे जरा। ओ कोई उड़दा बाज माया है, कोई उड़दा बाज माया, पर कॉमेडी दा मेरा डोना है, ऐसा खावत नाज माया माया। भाई कोई फिल्म दा सीन होवे है, कोई फिल्म दा सीन होवे, भाई जुगत इंज कर दाए है, जिवे कोई मशीन होवे होवे, सुन के भाई ओ कोई सुपर फिट माया है, कोई सुपर फिट माया, भाई हर प्लेटफॉर्म दे है, है हमेशा तो हिट माया है, हिट माया। वाह मोहसिन भाई, अरे सर क्या कहने, सर थैंक यू, बड़ा स्मार्टनेस माशाल्लाह, लगदा पेस्ट कुटी। सगावत भाई, इस तो पहले कि इमरान अशरफ मेरे ते हॉर्स ट्रेडिंग का केस कर दिया हो, बैठिए। सखावत भाई,
नलके भी खुश्क हैं, दरिया भी खुश्क हैं, तो तुहानू भी कोई गल करके पानी पानी नहीं कर सकता, तो आप बहुत गल्लां आंदियां ने, ते नहाउंदे किस रो? मैं नहाउण वाला मजाक बंद कर दिता। पानी एक तो ठंडा हुंदा, दूसरा गिला हुंदा, ते चौथा पानी शॉर्ट हो रहा है, इसलिए घट नहा लोगे तो पानी बचा लोगे। हाँ जी, ऐ वेखो नहर च छाल मार के पानी पाड़ता, जोर ना वजा ठा पानी, इधर पानी ने अखा दे हाथ रखे, मर गया। उस दिन मैं फसलों को पानी देना था। फसलों को दे, तुसी ते नस्लां नू देण दे। चौधरी सखावत साहब जी, मैंने आप पर करनी है इन्वेस्टमेंट। वाह, बार बार मुझे हुजते ना करें। लेकिन तुहाडा मुंह हो जाए, मेरे को रिया नहीं जाता। दिल नहीं मेरा करता, कसम भी। लेकिन एक अपनी भी मजबूरी होंगी, अस भी बरादरी च मुंह बकाउंदे। बेचारी मौसम, देहातों और शहरों में भले ही पानी कम हो जाए, लेकिन ख्यालात और जमालियात खुश्क नहीं होने चाहिए। वाह वाह, वो कैसे? कौन कहता है कि मौत आई तो मैं मर जाऊंगा? मैं तो बाबा डैम वाला हूँ, फंड लेके निकल जाऊंगा। बहुत अच्छे भाई चौधरी, कमाल। कौन कहता है मौत आई तो मैं मर जाऊंगा? बीमार होके बाहर जाऊंगा, डील करके आ जाऊंगा। कमाल। कौन कहता है मौत आई तो मर जाऊंगा? मैं तो बाबा इंसाफ वाला हूँ, इस्तीफा दे के निकल जाऊंगा। सवाल करते हो लौंडो, तो फिर सुनो वे, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा? बल्ला ना मिला तो लेवल प्लेइंग फील्ड का नारा लगाऊंगा। कौन कहता है मौत आई तो मर जाऊंगा? ओके ओके, जो सारे कहने तो मैनू की। कौन कहता मौत आई तो मर जाऊंगा? मैं तो अपने घर जाऊंगा। सखावत भाई, मजाक रात को 11वां साल है, दूसरा सीजन चल रहा है, आप पहले सीजन का भी माशाल्लाह से हिस्सा रहे थे, इस दौरान क्या कुछ बदल चुका है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में तो काफी कुछ बदल चुका है, लेकिन मजाक रात में जो बदला है वो भी आप देख रहे हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जब हमने स्टार्ट किया उस वक्त भी वो अल्लाह ताला की रहमत में था, तो आज जब से फिर छोड़ के जब ज्वाइन किया तो फिर भी अल्लाह की रहमत से वहीं पर है जहां पर हमने छोड़ा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपने ताहिर सरवर मीर साहब की कप्तानी में मुज़ाकरात का आगाज किया है ना, और आप देखते ही देखते उनकी टीम का सेंटर फॉरवर्ड बन गए। उन्होंने आपको कॉमेडी के मैराडोना का खिताब दिया था, याद है आपको? जी, ये उनकी मोहब्बत है, उनका प्यार। और ताहिर सरवर मीर साहब वो हैं कि वो कहते ना कि हीरा पछाणन वाला बंदा, ताहिर सरवर मीर साहब वो हैं, वो पहचान के बंदा निकाल लेते हैं और उसको फिर उसके हिसाब का क्रेडिट देते हैं जिस तरह का वो काम करते हैं। तो मेरे लिए ये उनका कहना किसी अवार्ड से कम नहीं है, उन्होंने मुझे ये खिताब दिया, तो थैंक यू सो मच ताहिर सरवर साहब, शुक्रिया। सर ये बताइए, पिछले दिनों मुज़ाकरात में सज्जाद जानी की टीम आई हुई थी। जी हाँ जी, आए सन हाफ बॉयल जुगतबाज नाल लेके। लगता जी कॉमेडियन को कच्चे अमरूद लेके आए। सखावत भाई, आपके एक आध क्लोजअप या एक आध बात के अलावा वहां पर आपको खामोश देखा गया, क्यों? क्या आप उनको अत्तार के लौंडे समझ के माफ कर रहे थे या वैसे बच्चे समझ के हौसला अफजाई के लिए चुप थे? नहीं, असल में बात यह है कि जब कोई अपनी आइटम कर रहा हो फिर मैं उसको तंग नहीं करता, जब कोई बात कर रहा हो फिर मैं जाने नहीं देता। एक तो गेस्ट अपीयरेंस होती है, उन्होंने ख्याल रखना पैंदा, ज्यादा टाइम देता जाए तो अच्छी गल है। एक बात जिस पर मैं ध्यान डलवाना चाहता हूँ कि जो अदब को मलखूजे खातिर नहीं रखा गया उस शो में, कि जैसे वो साहब फरमा रहे थे कि आपको या सरदार कमाल साहब को या हनी अलबेला साहब को मुखातिब नहीं कर रहे थे नाम से, और कह रहे थे कि ऐ पाई कौन है, ऐ पाई दमू के हो जाए, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा वो जिस तरह मोहल्ले में बैठ के काम करते हैं ना, जी जी, उसी तरह का उसने समझा था। वैसे भी ये हम आजकल वो यूट्यूब पे जो हिट है उसको बुलाते हैं, जो वायरल है, वायरल है उसको बुला लेते हैं, लेकिन पता नहीं वो आगे क्या कर रहा होता है क्या नहीं। तो मोहतरम, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, और दूसरी बात यह कि सखावत भाई के साथ मैंने बहुत अरसा गुजारा है, वो तो आपका करके लिहाज, क्योंकि आप थे मेहमान, वगर ना उन्होंने भी पता है। वगर ना सखावत भाई की तरफ से मैं आपको एक शेर अर्ज करता हूं कि मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किस्से, ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबाने लग जाएं। वो भी एंट्री तो पहले दबाते ने। मैं क्या चोरी मोहसन, ये जो लौंडे ने ये अत्तार दे लौंडे ने, ये नरगस दे पिछे वाले लौंडे ने। मेरी जान, इहो जे लौंडे
ਐਵੇਂ ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਹਿੱਟ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੱਲੇ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੱਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਸੇ ਛਪਾਕੀਆਂ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਡੋਗਰ, ਇਹਨਾਂ ਮੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ 2.5 ਲੱਖ ਤੇ 3 ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਚੋਰੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਚੋਰੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਖਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੂੰ ਤੜੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚੂਪ ਜਾ। ਯਹੀ ਸੇ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨੇ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਥੀ। ਕੌਣ ਸੀ ਜੀ? ਮੈਂ ਅੰਬ ਚੂਪਣ ਲਈ ਗਈ, ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਗਈ। ਮਹੀ ਬਾਦ ਨਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬਾਪ ਲਈ, ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਗਈ, ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਗਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਟਿਆਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਅੰਬ ਚੂਪਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਅੰਬ ਮਿੱਦਣ ਲਈ ਗਈ, ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਖਾਵਤ ਜਬ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਪਰ ਫਿਲਮ ਬਣ ਰਹੀ ਹੋਤੀ ਨਾ ਤੋ ਉਸੇ ਕਹਤੇ ਕੋਲੈਟਰਲ ਡੈਮੇਜ। ਲੋ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਾਂਸ ਵੀ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗਾਣਾ ਵੀ ਖੁਦ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਹੀਰੋ ਵੀ ਖੁਦ, ਹੀਰੋਇਨ ਵੀ ਖੁਦ। ਹਮੇ ਕਿਸ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ? ਜਾਲੀ ਵੋਟ ਡਾਲਨੇ ਕੇ ਲੀਏ। ਜਾਲੀ ਵੋਟ ਤੋ ਯੇ ਜ਼ਰੂਰ ਡਲਵਾਤਾ ਹੋਗਾ, ਦੇਖੋ ਸ਼ਕਲ ਸੇ 2 ਨੰਬਰ ਆਦਮੀ ਲੱਗਤਾ ਹੈ। ਆਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਓ ਯਾਰ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੇ ਮੈਂ 2 ਨੰਬਰ ਲੱਗਤਾ ਹੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਫਰੰਟ ਸੇ ਮੈਂ SRK ਹੂੰ। ਤੋਬਾ। ਇਹ SRK ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਲਾ ਕੀ? ਕਿਆ? ਸੁਜਿਆ ਰੁਲਿਆ ਖਾਨ। ਓਏ, ਤੂੰ ਮਾਸੀ ਬਾਲੀ ਜੱਟੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੈ ਲੈ ਕੁੰਜੀਆਂ, ਓ ਲੈ ਲੈ ਕੁੰਜੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈ ਸਰਾਣੇ, ਚੱਲੀਆਂ ਮੈਂ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੈ ਲੈ ਕੁੰਜੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈ ਸਰਾਣੇ, ਚੱਲੀਆਂ ਮੈਂ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ। ਸਖਾਵਤ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਕੇ ਐਨੂਅਲ ਡਿਨਰ ਕੇ ਮੌਕਾ ਪਰ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਮਹਿਫਿਲ ਕਾ ਹਿੱਸਾ ਥਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜੁਗਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪ ਇਸ ਕੋ ਐਸੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਕੀ ਤੋ ਆਦਤ ਹੈ ਜੁਗਤੇ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਵਾਕਿਆ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਸਭ ਦਾ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋ, ਮੁਕੰਮਲ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੈਮੀਨ ਛੇੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਚਮਚ ਦਹੀਂ ਮੈਂ ਫੜਾ ਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਜਾਉਣੇ ਨੇ, ਓਏ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਹੜਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦੇ ਕੁਛ, ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਪੱਟ ਦਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਘੁੱਟਣਾ ਵੇਲਾ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ, ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜੁਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਵੀ ਦਿਓ, ਇਹਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਪਬਲਿਕ ਡਿਮਾਂਡ। ਤਾਂ ਭਾਈ, ਵੈਸੇ ਤੋਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੈਰੇਕਟਰ ਦਿਲ ਸੇ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਬ ਆਪ ਜ਼ਨਾਨੇ ਕਾ ਕੈਰੇਕਟਰ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਬੜਾ ਰੂਪ ਚੜਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਰੋਲ 'ਚ ਬਰਕਤ ਬੜੀ ਪਈ ਸੀ ਸਟਾਰਟ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 91 'ਚ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਾਜਾ ਸਰਾ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਟਾਈਲ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਸਨਮ ਖਾਨਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਸਨਮ ਖਾਨਾ ਜੋ ਆਪ ਆਪਣੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਕਰੀਨਸ ਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਨਗਰ, ਵੋ ਉਸ ਹੀ ਕੀ ਡਰਾਮਾਈ ਤਸ਼ਕੀਲ ਹੈ, ਔਰ ਵੋ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਹੀ ਡਰਾਮਾ ਥਾ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਸਨਮ ਖਾਨਾ ਵੀ, ਔਰ ਉਸਮੇ ਨਵਾਜ਼ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਖਾਵਤ ਭਾਈ ਜੋ ਹੈ, ਇਨਹੋਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਏ ਥੇ, ਔਰ ਵੋ ਡਰਾਮਾ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਅਵਾਮੀ ਹਲਕੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਫਨਕਾਰੋਂ ਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਸਮੇਟੀ ਥੀ। ਔਰ ਖਾਇਆ ਸਰਾ ਕੇ ਰੋਲੋਂ ਮੇਂ ਐਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਤ ਆਤੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਮੈਨੀ ਬਨ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੋ ਵਾਹਿਦ ਡਰਾਮਾ ਥਾ ਜਿਸਮੇਂ ਆਪਕੋ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਡਰਾਮਾ ਥਾ ਵੋ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਿਰਫ ਵੋ ਤੋ ਬਤਾਇਆ ਨਾ, ਜੋ ਆਪਨੇ ਉਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੋ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਬਿਆਨ ਕੀਆ ਕਿ ਜਬ ਆਪ ਮੌਤ ਕੇ ਕੂਏ ਮੇਂ ਨਾਚ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਤੋ ਕਿਆ ਕਿਆ ਮਸਾਇਲ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਤੇ ਹੈ ਆਪਕੋ। ਵੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੀ ਜਬ ਮਤਲਬ ਨਵਾਜ਼ ਅੰਜਮ ਔਰ ਮੇਰੀ ਲਗਤੀ ਫਪਤੀ, ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀ, ਬਾਜੀ ਤੇਰਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੀ ਸੱਚੀ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਾਜੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕੇਸਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੱਚਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ,
ਸੁੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪ ਨੱਚਦੀ ਗਿੱਲੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਚ ਨਾ ਇੰਜਨ ਨੱਚਣ ਡਈ, ਇੰਜਨ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਸਪੀਡ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੇਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੀਡ ਵਧਾਈ ਕਿਉਂ ਨੀ? ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਇਸ ਲਈ ਨੀ ਵਧਾਈ, ਸਪੀਡ ਵਧਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਮਗਰੋਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਇੰਜਨ ਇੰਜਨ ਨੱਚਣ ਡਈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਚੈਨਕ ਦੀ ਧਾਰ ਬੰਨ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਡਾਂਸ ਤੇਜ਼ ਪੱਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਉਹੀ ਅੰਤਰ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਲ ਗਿਰਾ ਤੇ ਸੇਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਿਹੜੀ? ਹਾਂਜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਬਾਜੀ, ਐ ਰੱਖੀ ਮੋਮਬੱਤੀ। ਹਾਏ ਇਹਦਾ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਬਾਜੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦਾ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਟਿੰਡ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਲਾਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫੂਕ ਮਾਰਨੀ, ਫੂਕ ਹੀ ਮਾਰਨੀ ਬਾਜੀ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਰਿਹੋੜੀਆਂ ਪੈਕ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਉਸਮੇ ਬਾਤੇ ਥੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ, ਤੇਨ ਚ ਰਚਾਓ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ ਚ ਚੌਧਰੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵੇ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਛਪਿਆ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਇਤਨਾ ਮੈਨੇ ਕੀਆ ਖਾਇਆ ਸਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਬ ਆਮ ਲਾਈਫ ਮੇਂ ਵੀ ਯੂੰ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਖਾਵਤ ਭਾਈ, ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਲਬੇਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਲਿਦ ਅਬਾਸ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਰਿਕ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਬੱਬੂ ਬਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸੇ ਅਜ਼ੀਮ ਫਨਕਾਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਆਪਨੇ ਕਾਮ ਕੀਆ ਹੈ, ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਉਫਕੋਰਸ, ਤਾਰਿਕ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਤਨਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਤੇ ਹੈਂ ਆਪ ਖੁਦ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇ ਕਮ ਨਹੀਂ, ਹਸਤੀਓਂ ਕੇ ਸਾਥ ਮੁਝੇ ਕਾਮ ਕਰਨੇ ਕਾ ਤੋ ਮੈਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਮਝਤਾ ਹੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੈਨੇ ਉਨਕੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀ ਹੈ ਵੋ ਮੁਝੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਤੀ ਇਸ ਬਾਤ ਕੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੁਝੇ ਮੌਕਾ ਦਿਆ, ਖਾਲੀ ਸੀਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਬਹਿ ਜੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਇਸ ਬਾਤ ਕਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਵਾਹ ਹੂੰ, ਇਹ ਦੁਆ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਵਾਹ ਹੂੰ ਕਿ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਹੋਤੇ ਹੋਏ ਸਖਾਵਤ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਤਨੀ ਉਨਕੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਉਨਕਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੇਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਦੁਆਏ ਬੜੀ ਲਈ ਮੈਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਥਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜੋ ਕਾਮੇਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਤੀ ਕਿਸੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜੁਗਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਮਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੱਪ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਬਈ ਸਭ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਟਾਈਮ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕਿਸਨੇ ਦਿਆ? ਸਟੇਜ ਪੇ ਸਭ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਤੀ ਥੀ, ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਵਕਤ ਡਾਲ ਦਿੱਤੇ ਥੇ, ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੱਬੂ ਸਾਹਿਬ, ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਮੁਹੱਬਤ ਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਥੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਪੇਟਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ 4-6-8 ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਮੁਤੱਕਾ ਲਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ, ਔਰ ਉਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੀ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਮੈਨੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵਾਹਵਾ ਟੁੰਗੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨਕੀ ਸਭ ਕੀ ਲਾਈਟ ਚਲ ਗਈ, ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਕਰਮ ਥਾ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਾ ਹਮ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਸ ਮੇਂ ਜਬ ਤਾਰਿਕ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਨੇ ਹੋਤੇ ਥੇ, ਤੋ ਕੌਣ ਜੀਤਾ ਥਾ? ਇਹ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤਾਰਿਕ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਜਬ ਆਏ ਓਪਨੇਅਰ ਬਸ਼ੀਰਾ ਐਂਡ ਟ੍ਰਬਲ ਡਰਾਮਾ ਥਾ, ਉਸ ਮੇਂ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪਕੜਾ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੋ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਕਹਿਣਾ ਥਾ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਫੀਲਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਲਤਾ ਆਈ। ਇਹ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਤੇ ਕਿ ਤਾਰਿਕ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰਤੀ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਧੋਤਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕਿ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮੈਦਾਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਫੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਆਏ ਫੰਨੇ ਖਾਂ ਕਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ, ਆਏ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਪਕੜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਤੇ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ, ਆਏ ਵਰਨਾ ਤਾਰਿਕ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਓ ਬੜੇ ਤੱਤੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਸਨ ਤਾਰਿਕ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੁਗਤ ਮੂੰਹ ਫੜ ਕੇ ਜੁਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਾਰਿਕ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹ ਤਾਰਿਕ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਆ ਨਿਕਲ ਆਓ ਇਨ ਜੁਗਤੋਂ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਸੇ, ਅਬ ਪੈਰਲਲ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀ ਵਰਲਡ ਮੇਂ ਪਾਉ ਰੱਖੋ। ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੋਂ ਪੱਗ ਸਵਾਈ ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਸਵਾਈਆਂ। ਚੌਰੀ ਸਖਾਵਤ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੂੰ, ਯਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਕੇ ਲੈਵਲ ਕਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ। ਅੱਛਾ ਰਿਮੋਸ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਚੌਰੀ ਸਖਾਵਤ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਤਾ ਫਿਲਮ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਖੁਰਾ ਤੇ ਬਣਾ ਲਓ ਪਹਿਲੇ। ਯਾਰ ਇਹ ਪੈਟੀਜ਼ ਕੰਮ ਹੋਤੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਚ ਕੀਮਾ ਪਵਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਪੈਟਿਸ ਕਰ ਲਿਆ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਮੋਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਫਿਲਮੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਛੀਦਾ ਪਸਤੌਲ 2024, ਵਾਹ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਸੈਡ ਹੀਰੋਇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
देखा चौधरी साहब, ये डॉक्टर हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करता है। ये इसकी ना लाडली है, इसे ही हमेशा लेवल प्लेइंग फील्ड देता है। सदके जावा माई फर्स्ट लेडी, माई फर्स्ट हीरोइन, क्यों डोगरिया साइड हीरोइन की तू बड़ी साइड लेता है। सर मैं दी केड़ी जुआ वाली कंगी ले गया, एवं झूठ बोलती पई है। चौधरी साहब आप गलत शक कर रहे हैं डायरेक्टर साहब पर। डायरेक्टर साहब तो मेरिट पे यकीन रखते हैं। गुड, डायरेक्टर साहब मेरिट पे नहीं, मैरिज पे यकीन रखते हैं। एक सेकंड, मैं ना कुछ चीजें क्लियर करवा दूं आपको। क्या? सखावत भाई आप इनको बता दें कि आप बरादरी से बाहर फिल्म नहीं करते। फिल्म के रिश्ता बरादरी तो बाहर मैं नहीं फिल्म करता। हाँ। मेरे दो भरावां दी फिल्म होई है बरादरी ची। पहले मेरे वड्डे दी वड्डे भरा दी फिल्म बनाई चाचे हल हिट होई हो। नहीं फ्लॉप ही है, लेकिन लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है। फिल्म तो ज्यादा पेकी रही दी होएगी। नहीं नाल नाल ही कर रही है। अद्धी फिल्म उधर होंदी अद्धी इधर हो जाती। अच्छा आपकी कोई डिमांड्स हैं वो बता दें इसको। जहेज तो नहीं लेंगे ना आप? नहीं नहीं नहीं। और कोई डिमांड्स? दो कपड़े जो फिल्म करनी जी मैं तो जे नहीं तुहाडे कोल हैगे तो वह भी रहन दिओ। फिल्म बनते ही भाजी मैं हनीमून ते जाना जी फिल्म नू नाल लैके। आउटडोर तो शूटिंगा होनियां तुसीं कोल नाल लैके जाना? नहीं 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 पता कि कोई सीन लैदा भी करन वाले हुंदे। मैनूं लगदा इहनूं फिल्म ते शक है। फिल्म बन ते जाएगी, सेंसर नहीं होएगी। नहीं वैसे भी चौधरी साहब देखो फिल्मा जड़ियां होंदियां ना प्राया तन होंदियां। कदों फिल्मा कंधा तो उच्चियां हो जाण, फिल्म जिन्नी छेती होए बना देनी चाहिए। नाले फिल्मा वाले घर टेलर आउंदा ही नहीं। चौधरी साहब जहेज मैं नहीं लेना। मोहसिन भाई तुहाडे सामने वादा कर रहे हैं जहेज भाजी मैं नहीं लेना। क्यों? जिन्ने फिल्म देती उन्हें पिछे की रखे। नहीं नहीं चौधरी साहब असीं फिल्मां ते आणियां वाले आ। कट तो कट कोई नाल पांडा ठिकर कोई बिस्तरा नाल देना चाहिए। आ होना चाहिए जेहो जहा मौसम है दो रजाइया ताकि फिल्म निगी होके पही रवे। मेरा सुपरस्टार बड़ा गुनागार मारे हालात दमांगे राहुदार अल्लाह दे नदी कोई पैसा दे मौला दे नदी कोई पैसा दे। यार मेरा सुपरस्टार बड़ा गुनागार यार मेरा सुपरस्टार बड़ा गुनागा दंगे हालात आंदा ते मांगे दाहुदा दंगे दंगे हालात आंदा ते मांगे दाहुदा घर बिच फातियां वाला आंदी नहीं हूं गैस मेरे किसे बिच जरा नहीं हैगी कैश। ओके मेरे दिल बिच आया ख्याल के नचने नू जी करदा चढ़ी दे विच तेरे नाल नचने नू आह 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 चढ़ी दे विच तेरे नाल नचने नू जी करदा या। कहाँ किधर? I am yo yo vitamin C D E। देखकर तो लगता है कि आप में कोई भी विटामिन नहीं है। एक विटामिन है N। N विटामिन कौन सा होता है भाई? विटामिन निको टीन। जब मुझ पे अरूज था हर फिल्म में मेरा गाना होता था। और किंग खान भी मुझसे गाना बनवाते थे। उन्हें देखो कंधा बनवाते ने। आ बिल्कुल जब रबर दी बिल्ली होंगी तांबे का चूहा होंगे चीर कटने वाली जुती होंगी टेंड करने वाला गुस्सा होंगे। आप मुझे कर रहे हैं आमे आना जुगते और माय म्यूजिक की मशीन हूं। कितनी आप मशीन है सुनाए फिर अपनी कोई फड़कीली सी कंपोजिशन। नहीं सुनिए मेरा टॉल पलाजा नहीं सुनिए मेरा टॉल पलाजा जिंद पड़क दुड़ पड़क दुड़ जिंद पड़क दुड़ पड़क दिल टिक टाक टिक टाक टिक टाक हाय सुनिए मेरा टॉल पलाजा किसे को लेना वीर पये किसे को लेना ती हनी सिंह हनी सिंह हनी सिंह बारा सिंह वीर पये किसे को लेना ती रक्षण कहना लगदा पाया चिंग चिंग कहना की मेरा टॉल पलाजा नहीं सुनिए मेरा टॉल पलाजा नहीं सुनिए मेरा टॉल पलाजा पलाजा टॉल पलाजा 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 तू सारे जग तो सोनी है मैं आ तेरा नौकर नहीं सारे जग तो सोनी है मैं आ तेरा नौकर आया द्वारे तेरे ते मेरे सिर विच मार ना बौकर ऐसे गलों दुनिया कहंदी अज मैं पौरिया मोटिया ऐसे गलों दुनिया कहंदी रखा
जोकर 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 या हाय सुनिए मेरा ढोल पलाजा Welcome back to Public Demand. चल रहा है सखावत नाज साहब का कॉमेडी रिमांड. लेडीज एंड जेंटलमैन, सखावत भाई आप और हनी अलबेला साहब आफ्ताब इकबाल साहब को छोड़कर आए थे, तो मीर सादिक का खिताब किसको मिला और मीर जाफर का किसे? उन्होंने दोनों को देता जैसे आपस में बांट लिया. नहीं, क्या मसला क्या था? मतलब क्या दुबई में दिल नहीं लग रहा था आफ्ताब साहब कोड़े मार देने की कर देने? असली कड़ा जंगी कैदी सा. कोड़े नहीं मारते, असल से गल है कि दूर रह के काम करना एक होर मतलब डिस्टर्ब हो जाता बंदा. फिर मेरे नाल तो खैर रवैया होर सी ना, जदी वजह तो मैं अच्छा नहीं कर सके. आप तो आफ्ताब साहब के साथ उस जहाज में भी थे ना जो कि कॉमेडी की ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल सटायर की नई मंडियां ढूंढने निकला था. हसबे हाल तो खैर मैंने नहीं किया उसमें, मुझे मेरा नाम अनाउंस होता रहा कि आप इसमें आओ, कभी चाय वाला बन के आ जाओ, इस तरह का कोई कहते थे, लेकिन वो कर नहीं पाया, हो नहीं सका. उसके बाद जब खबरनाक स्टार्ट हुआ उसमें, जब मैं गया हूँ तो मुझे उन्होंने रखा कि आप शो का हिस्सा हैं लेकिन आप बाहर बैठ के ना बातें बताएंगे तो आपको अच्छा? ये पर मंथ ये मिलेगा. ओके. एक दिन मैं गया हूँ रिहर्सल पे, मैंने बताई बातें जो आमद हो रही थी वो मैंने, खैर अमानुल्लाह साहब को क्या बताना था. हाँ जी. उनके साथ बैठा तो तीसरे दिन जब रिकॉर्डिंग होनी थी तो उनको मैंने कहा यार मैंने बाहर बैठ के जो बताना है मैं अमान साहब के साथ बैठ जाता हूँ, मैं भी करता रहूँगा. उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है. जब हम बैठ गए तो अल्लाह ताला ने वो जोड़ी ऐसी बना दी जो पूरा खबरनाक की पहचान बन गई. अच्छा जी सखावत, मैं आप पे फिल्म बना रहा हूँ. कौन सी? एक चौधरी था एक जनाना. चलो मैं तो चौधरी बन जाऊंगा, तुसी जनाने बन दे चंगे नहीं लगना. आपके दोस्त इफ्तिखार ठाकुर ने सुपर पंजाबी फिल्म बनाई जिसमें वो अरबपति बन गए ते लगे दूधपति भी नहीं. ओ इंज लगा बहुते दूध च एक पत्ती. उतो उन्होंने मशूक भी रखी मखसूस नशिस्त ते सना जी. ईमानदारी से बताएं उनका मुंह देखें अटायर देखें रूप क्यों नहीं चढ़ा उन्हें? अच्छा रूप दी गल तू करता किड्डा उपरा लगा. तू दोस्त की आदमी है मेरे नाल फिरया टुरया कर तेनू उत्थे भी इहो जे लभणे ने. मैं तो ठाकर साहब नु कहया सी 8 दिन पहले शूटिंग ते जाया करो, पता नहीं केड़े वेले रूप चढ़ जाए. लेकिन उन्होंने मुंह तो कीड़े ही चढ़े ऐसे पता नहीं गचक माल के जानते से. चौधरी साहब आप अगर चाहते हैं कि आपकी फिल्म एनिमल जितनी सुपर हिट हो जाए तो उसमें ना मेरे 5 आइटम सॉन्ग जरूर डाल दीजिएगा. तू पन्निया दी गल कर रही है, मैं तो पूरा दर्जन पाड़ नू फिरने है. क्यों चौधराणी वाले भी इधर पा देने? ओए उनके आइटम सॉन्ग नहीं खसूसी कैबरे सॉन्ग होंगे. अच्छा सॉन्ग दी चढ़ी दे विच तेरे नाल नचणे नु जी करदा जी. ऐ जे ओ ओके ओके. साहब भाई अब मैं आपके थिएटर के कुछ साथियों के नाम लूंगा. एको तपड़ी मरवा लो फिर उन्नी देर. आपने अपने साथियों को नंबर्स देने हैं उनके एक्शन रिएक्शन जुगत बर्जिस्तगी एक्सटेम्पोर पर जो भी आपको लगता है आउट ऑफ 10. सुहेल अहमद साहब मीटर पार जाना है तुम्हें लगता है 100 प्लस. हाय ये बात. नसीम विक्की साहब 8. आगा माजिद साहब 7. ओके सलीम अलबेला साहब 7. नासिर चनियोटी साहब 8. जफरी खान साहब कार्टून मिला के 9. इफ्तिखार ठाकुर साहब 9. ओके हनी अलबेला साहब 7. अच्छा ओके सरदार कमाल साहब 9. अच्छा एक्स्ट्रा मार्क दे रहे हैं उनको साथ बैठने के? नहीं उनका फिल्मी स्कोर देख रहा हूँ. अच्छा ओके. काफी से आना लगता है दूल्हा तो काफी पुराना लगता है थोड़ी देर में इसने मर जाना लगता है किसी ने नहीं इसको दफनाना लगता है. दूल्हे भैया आज किसकी जिंदगी बचाकर नहीं मतलब किस शादी से भाग कर आ रहे आप? आज मैं बहुत खुश हूँ. एक तो एनिमल फिल्म ने बहुत ज्यादा बिजनेस किया है और दूसरे नंबर पर मेरा
वाओ, बिल्ली मेरे घर में बच्चे दे के निकल गई और जिम्मेदारी मुझ पे डाल दी। तुसी कुटन वाली माई लैन आए हो? नहीं नहीं, बिल्ली ने बदला लिया ना, कुछ साल पहले आपको बिल्ली के यहाँ छोड़ा थे हम। अच्छा अच्छा, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। क्या, क्या, क्या? अरे प्लास्टिक के चिमटे लो, जिन्ना कोड़ा चुकन जो चिमटा इंज हो जाता। मैं जनाब सखावत नाम साहब से कुछ पूछना चाहता हूँ। आपकी ड्रामा फील्ड में काफी मरासम अच्छे हैं, तो मेरा एक छोटा सा काम कर दे की? मेरी निता चौधरी से शादी करवा दीजिए। मैं सारी जिंदगी आपके चरणों को चूमता रहूंगा। पहले शादी हुई है, तू जरूर चल दी शादी जाना। चल दी शादी पा कर दी। आओ सखावत भाई, क्योंकि आपको मैराडोना का खिताब दिया गया है, तो मैं आपसे सवाल भी कुछ पेनल्टी किक्स टाइप के करने वाला हूं। फेवरेट मीडियम, फिल्म, टीवी, सिनेमा या सोशल मीडिया? तीनों। सर फेवरेट कोस्टा, इफ्तिखार ठाकुर साहब या फिर सलीम अलबेला साहब? दोनों ने रगड़ के एक बना लिए। सर फेवरेट फीमेल कोस्टा, नरगिस जी या खुशबू जी? नरगिस। ओके ठीक। सर फेवरेट उस्ताद, सुहेल अहमद साहब या फिर आफताब इकबाल साहब? सुहेल अहमद साहब। ओके ओके। सर फेवरेट जूनियर, गोगा पसरूरी या फिर वाजिद खान? जूनियर सारे ही अच्छे हैं। किंग ऑफ कॉमेडी, उमर शरीफ साहब या फिर अमानुल्लाह खान साहब? हमने जहाँ तक देखा पंजाब की हद तक वो अमानुल्लाह साहब हैं, और अपनी जगह उमर शरीफ साहब भी किंग ऑफ कॉमेडी हैं। डेफिनेटली परफेक्ट। शान या हुमायूं सईद? शान। आयजा खान या माहिरा खान? सलमान खान। ओके, पानी वाला तलाब या माई दी चुगी? माई दी चुगी। सर ये किस अजीम कॉमेडी फनकार का डायलॉग है? माँ तू ते कहंदी सी, माँ दे पैरा थले जन्नत हुंदी। मनोहर शरीफ साहब। सर अगला डायलॉग है, अरे कितना नचा रहे हो खुद को मुगले, आज अब हमको अनारकली समझ रहे हो क्या? गोविंदा। दुरुस्त जवाब, बहुत आला। सर नेक्स्ट वन इज, ना रो मां तू रोनी है ते इंज लगदा है जिवें पुराना लेंटर चोपे है। नन्ना साहब। दुरुस्त जवाब। अगला डायलॉग है, बैठो बैठो ले आओ डाला। जफरी खान। दुरफिट मुंह बकवास ना कर, लांती की पिया करना है। बाबू बराल साहब। ठाकर साहब। ओके अगला है, मस्कड़ुलिया मस्कड़ कुल्ले। मस्ताना साहब। यस। अब गेस कीजिए कि ये बात किस लेजेंडरी कॉमेडियन की है कि एना जिंदगी च गोश्त नहीं खादा, कसाई दुकान चुक के एना दे बूहे दे नेड़े लै जा के और मैं ही इन्हां नूं दूर पैना। तारक जवेद साहब। सखावत भाई, अब मैं आपसे कुछ गाने गैस करवाने लगा हूं। अंतरे मैं बताऊंगा, अस्थाई आप बताएंगे। ये गोरे गाला तंदना, ये रेशमी बाला तंदना, ये 16 साला तंदना, हाय तेरे ख्याला तंदना। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। आप करीब हैं। हाँ, इसके इसके आगे गाना गैस हो जाएगा आपसे फौरन। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 फिल्म गुमनाम 1965 में रिलीज हुई है और गायक हैं मेरे फेवरेट रफी साहब। क्या बात है। मैं भी जानू पीना तो बुरी बात है, कैसे ना पीऊं प्यासी ये रात है, ऊपर से हसीनों का हसीन साथ है। लो भाई जी, ये जेड़ा गाना है ना, ये अपने मुल्क का नहीं? नहीं है बिल्कुल नहीं, क्योंकि इत्थे तो पाबंदी है। पाबंदी तो है, इत्थे सारे ही काम चलते रहते ने, केड़ा काम रुके मुल्क च। गल तो चोरी सही है, एवं नहीं तेरा मुंह सुजे है, चपेड़ा खादियां तू किसे? ये सियासी चपेड़े और मुआशी तपेड़े है। वाह 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 यार, तू फिल्म दा बंदा है यार, चौरी सिखावत तू ये नहीं बोल सकता यार, ये अमिताभ साहब से पिक्चराइज हुआ है। मोहसिन भाई, इस फिल्म दा नाम किधर है? नमक हराम तो नहीं? यार चौधरी सिखावत बंदा कमंदा वेख रहा। इधर होंदा फिर काला नमक हराम होना सी। ये जी नमक हराम फिल्म है और वो हसीनों का क्या था, जूली रीना डोली दलारा ला री 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 डाल, कहीं हम गिर ना पड़े।
बम थोड़ी सी जो पीली है बेचारी मोहसन हाँ। बड़ा टन है हाँ। पर दुख है कि नथिया गली नहीं होया ओ नथीरा छोटी मक्खी दा शहद ओ छोटी मक्खी दा शहद भी प्या प्या वड्डी मक्खी दा शहद हो जांदा है हां सारा पता है सखाव भाई थैंक यू सो मच बहुत मजा आया आपके साथ शो करके इतने अरसे बाद हम फिर से एक स्टेज शेयर कर रहे हैं मैं और मोहसन भाई हम फिल्म कर रहे हैं इकट्ठी आप लोग हाँ। दुआ भी कीजिएगा हमारी सारी टीम सारी होगी और मोहसन भाई ने आज वादा किया है तो मैं ये अनाउंस कर रहा सर सर अब जाते जाते एक बहुत बढ़िया सेगमेंट है हमारा मेरा फेवरेट जिसको हम कहते हैं हैप्पी रोस्टिंग सबसे पहले अवामी दुल्हा एहो जो दूल्हे फिल्म च बंब चलन ते दौड़दे होंदे अल्लाह रखा अंग्रेजा च मंगदा शाहिद खान साहब बंद ट्रेन दियां टिकटां कटदा शेरी नन्ना निरा अन्ना आ पावे चूची बोले तेरी गल दा सवाल है नेक्स्ट वन इज राही साहब ठेके ते तलाकां कराउंदा अगली बारी है सिद्धरा जी की पिंडा च जाके कहंदी मैं नसीबा मेरी मदद करो अगली बारी है फलक जी की हाँ यहोजी तमिल फिल्म च आके कहंदे चोरी सब वोटा पाई जा रहे ने अगली बारी है हमारे होस्ट जी की हाँ की रखने वाला बैग हुंदा